नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आपको बता दें, गंज मुरादाबाद ब्लॉक के प्रमुख पति विवेक सिंह पटेल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय लखनऊ में भाजपा की सदस्यता स्वीकार कर भाजपाई बन गए। इस दौरान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि विवेक सिंह पटेल के पार्टी में शामिल होने से उन्नाव, हरदोई सहित अन्य जनपदों में भी पार्टी और मजबूत होगी। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग जाकर निकाय चुनाव में पार्टी के लिए मेहनत करें और पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताने के जनसंपर्क शुरू कर दें। विवेक पटेल का कहना है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं प्रदेश मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ का प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल, प्रदेश महामंत्री संजय राय, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता है क्योंकि इन सभी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का अवसर दिया। बीजेपी मुझे अपने मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीतियों पर कार्य करती है। इस पार्टी में एक आम कार्यकर्ता का भी सम्मान सुरक्षित। बहुत ही वरिष्ठ लोग हमारे साथ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सीनियर लोग अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की और योगी जी की कार्य पद्धति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए, ऐसे आदरणीय हेमराज वर्मा जी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विगत लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे पीलीभीत, आदरणीय बहन संध्या सिंह पटेल ब्लॉक प्रमुख हैं गंज मुरादाबाद, श्री विवेक सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्नाव, आदरणीय बहन शीला सिंह जी राज्य महिला आयोग की सदस्य और समाजवादी महिला सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष है। आज ये सब तीनों चारों लोग उनके साथ आए बड़ी संख्या में प्रधान, बीडीसी, अन्य राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग हमारी पार्टी का हिस्सा बने। एक बार उनके नाम आपके सामने बोल दूंगा। श्री सत्ती सिंह पूर्व प्रधान बटौली, प्रदीप पूर्व प्रधान अटवा, श्री सर्वेश कुमार, श्री अनिल कुमार जसरापुर, अशोक सिंह पूर्व प्रधान, आजाद प्रधान, सतीश कुमार पूर्व प्रमुख, जयप्रकाश कटियार, श्री अशोक कटियार, श्री अरविंद कुमार बीडीसी, श्री अरविंद प्रदीप कुमार बीडीसी, श्री सुरेश कुमार बीडीसी, श्री यमुना बीडीसी, अतुल कुमार कटियार पूर्व प्रधान, रामकिशोर पासी बीडीसी, श्री सुरेश कुमार बीडीसी, श्री मनोज बीडीसी, श्री कन्हैया लाल बीडीसी, श्री राम लखन बीडीसी, श्री अमित वर्मा बीडीसी, श्री गुड्डू बीडीसी, श्रवण बीडीसी, श्री राजकुमार बीडीसी, नेकराम जी, श्री शिवचरण जी, सुखजीत जी, विष्णु जी, सागर जी, श्री सैलेंद्र जी, श्री श्रवण सिंह जी और वर्तमान कई प्रधान, श्री प्रताप सिंह जी, श्री गुफरान सिंह जी, श्री जसवंत सिंह यादव जी, श्री राकेश यादव जी, श्री शकील जी, श्री राकेश कुमार, श्री शिव। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।